ये जो शिला टूटी हुई है हाँ, 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 ये इंद्र के वज्र से टूटी थी ये शिला हाँ, ये इंद्र के वज्र से टूटी थी। ये जो हाथ मंडा हुआ है यहाँ पे हाँ, 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 राजा भर्तृहरि ने अपने हाथों से इसको रोक दिया था, इस शिला को, इस पूरी शिला को। आप सभी को स्वागत है और एक दिन उज्जैन में मैं आश्रम में कल आके रुका था। आप लोग मेरे पिछले वाले वीडियो में देखे हो और इस वक्त मैं स्नान वगैरह करके जा रहा हूँ महाकाल का दर्शन करने के लिए। और आप लोगों को बताऊं दोस्तों, अंदर वीडियो वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है, तो मैं दर्शन करके थोड़ा पास का जगह आपको घुमा लूंगा। और भी यहाँ के बारे में बहुत कुछ ऐसी जानकारियाँ है जो बहुत कम लोगों को पता है, ये सारी चीजों का भी आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग पे। अभी मैं लाइन लगाने जा रहा हूँ जहाँ से फ्री दर्शन लाइन मिलेगा, 2 घंटे तक लाइन में लगने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पे अभी लाइन पे लग गए और अंदर कैमरा मोबाइल कुछ भी अलाउ नहीं है, तो अभी यहीं से मेरे को कैमरा बंद करना पड़ेगा। बहुत लंबा लाइन है और दर्शन के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज सोमवार का दिन है और महाकाल का दर्शन होगा। फाइनली मैं दर्शन पाया, बहुत ज्यादा खुश हूँ यार, और बहुत जल्दी दर्शन हुए मेरे। बहुत ही अद्भुत ये नजारा था यार, और थोड़ा बहुत कोशिश किया कि आप लोगों को भी दिखा सकूं। और एक बार उज्जैन महाकाल का दर्शन करने आप लोग जरूर आइए, मन को बहुत सुख शांति मिलेगा। ये जगह छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहीं पे बस जाओ महाकाल के पास। जब आप उज्जैन महाकाल का दर्शन करोगे ना, फिर अंदर की तरफ आप लोग घूमना मत भूलना। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और भी बहुत सारे शिवलिंग हैं महादेव का। चलते हैं, जय श्री राम। दोस्तों ये आश्रम है और यहीं पे मैं रुका हुआ था, मेरे को यहीं पे आश्रय दिए थे
सभी का बहुत प्यार बहुत स्नेह मिला मेरे को यहाँ से। अभी यहीं के पंडित जी मेरे को छोड़ देंगे काल कब तक। से 5-6 किलोमीटर तक है और मेरे को वहाँ के रास्ते और वहाँ के जगह के बारे में भी बता देंगे। चलिए आप लोगों से मिलते हैं काल भैरव में। अभी विक्रमादित्य के गुफा में आए हुए और बहुत मुश्किलों से अंदर आए। यहाँ तपस्या कर रहे थे। ये जो शिला टूटी हुई है, हाँ हाँ हाँ, ये इंद्र के वज्र से टूटी थी ये शिला। हाँ, ये इंद्र के वज्र से टूटी थी। ये जो हाथ मंडा हुआ है यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, राजा भर्तृहरि ने अपने हाथों से इसको रोक दिया था, इस शिला को, इस पूरी शिला को। ये राजा भर्तृहरि का गुना है। हाँ, विक्रमादित्य जी के बड़े भाई, बड़े भाई है ये। फिर उन्हें वैराग्य हुआ, उसके बाद में विक्रमादित्य जी ने कार्यभार संभाला था। राजा भर्तृहरि जी, हाँ, और भगवान विष्णु श्री हरि की मूर्ति ये धुना उनका था, इस जगह वो तपस्या करते थे। अच्छा, कहा जाता है कि चारों धाम जो है, हाँ हाँ हाँ, ये मार्ग वहाँ निकलता था। चारों धाम, चारों धाम की यात्रा के लिए जो अपने नाथ जी को जाना रहता था, ये गुप्त मार्ग था, ये शॉर्टकट है, सीधा वहीं निकलता। इसके अंदर भी अलग अलग रास्ते हैं, धाम जाने के, चारों धाम जाने के अलग अलग रास्ते हैं। और यहाँ पर अब बाद में जो भी गए, हाँ, वो वापिस आए नहीं, वापस नहीं आए। हाँ, तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, अब यहाँ से जाना अलाउड नहीं है। ये सारा बना हुआ बात रहा है, ये गुफा थी, हाँ हाँ, वन था, वन था पहले, ये केवल गुफाएं थी। थैंक यू भैया, जय श्री माता, जय श्री माता। मैं पंडित प्रशांत उपाध्याय नरसिंह घाट से उज्जैन अवंतिका में। महाकाल मंदिर के साथ साथ यहाँ पर उज्जैन में और भी बहुत सारी चीजें जो देखने योग्य है। पूरा उज्जैन घूमने के लिए करीब करीब 5 दिन लगेंगे। उज्जैन में 84 महादेव, सप्तसागर, नव नारायण, अष्ट भैरव और भी बहुत सारी जगहें हैं जिन्हें देखा जाता है और जिनके कारण अवंतिका प्रसिद्ध है। आप केवल महाकाल मंदिर को छोड़ दें तो काल भैरव बाबा है,
पीछे विक्रांत भैरव है, उसके पीछे कवि कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आप उज्जैन में आकर के उज्जैन को समस्त सत्र कर्ण का अंतिम संस्कार भी उज्जैनी में हुआ था, जो भगवान श्री कृष्ण के चक्र द्वारा दर्शित स्थान पे किया गया था, उसको चक्र तीर्थ कहते हैं, वो भी हमारे उज्जैन में ही विराजमान है। ठीक है भैया, जय महाकाल, जय माता दी, फिर मुलाकात होगा भविष्य में और कांटेक्ट होते रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बाय भैया, जय श्री राम। अभी अभी आखिरी दर्शन हुए काल भैरव की और मन में बहुत सुख शांति है। सोचा नहीं था कि मैं दर्शन कर पाऊंगा। मैं अभी मंदिर के ठीक बाहर ही खड़ा हूँ, बहुत ज्यादा भीड़ है, एक घंटे से ज्यादा समय लगा पूरे चक्कर लगाते लगाते काल भैरव का दर्शन करते हुए। सुबह को भी नहीं सोच पाया था कि आज दर्शन करूंगा, मेरे को आज लग रहा था कि मैं आज यहीं पे स्टे करूंगा, लेकिन नहीं, आज इंदौर के लिए मैं रवाना ले लूंगा यहाँ से। बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। महाकाल के दर्शन हो गया, अब मैं निकल रहा हूँ इंदौर के लिए। आज मेरा यहाँ रुकने का प्लानिंग था क्योंकि मेरे को लगा आज दर्शन नहीं होगा, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया पंडित जी का बदौलत। देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन निकल रहा है इंदौर के लिए। थैंक यू दोस्त, ब्रिज के ऊपर खड़ा करने और रोकने के लिए थैंक यू सो मच।